नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। पूरे देश भर की निगाह आज चंडीगढ़ पर टिकी रही। चंडीगढ़ के साथ साथ दिल्ली में भी उथल पुथल मची रही। हरियाणा के लोग भी दिल्ली और चंडीगढ़ की ओर रुख करते रहे, क्योंकि कारण है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव। जो कुछ मेयर चुनाव को लेकर हुआ, उन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ केतन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आपके नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है शर्मा साहब। आप तो कानून के विद हैं, ये क्या हो गया? आप तो जीतने जा रहे थे, सारी संख्या भी आपके पास थी और आप चुनाव हार गए। जी शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शर्मा साहब, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? तो अपनी बात कहिएगा। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, शर्मा केतन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन तस्वीर देखिए, ये जब वोटिंग की तस्वीर है और चुनाव अधिकारी जो है जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप चुनाव जीत रहे थे, जश्न की तैयारी कर रहे थे, ये अचानक हार कैसे गए? राजीव जी, जी बीजेपी ने करी है, ये देश बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। सबसे जी जी, इन्होंने आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको खरीदने की कोशिश कर, उसके बाद इन्होंने 18 तारीख को अपना प्रिसाइडिंग ऑफिस जी को कहीं ये था कि हम हार जाएंगे, हमारी हार बिल्कुल निश्चय है। उसके बाद इन्होंने अपना ही माइनॉरिटी विंग का एक ऑफिस बीरर, जो बीजेपी का माइनॉरिटी विंग का ऑफिस बीरर था, उसी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा दिया जी इलेक्शन। ये बात ठीक है, लेकिन ऑफिस बीरर बनने के साथ जो 20 वोट आम आदमी है, नामित पार्षद को जो है पीठासीन अधिकारी बनाया, तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया आपने? जी शर्मा जी, आवाज उनकी शायद थोड़ी रुक रही है, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये प्रदर्शन दिन भर होते रहे। और आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया कि उनके नेताओं को कल से ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, आज जो प्रदर्शन थे उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। इसके अलावा आपने शरण ली हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई। जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हां जी, हां जी, आ रही है सर, आ रही है आवाज। इन तस्वीरों में जैसे ही पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की, वैसे ही तुरंत जो मेयर थे जिनको विजयी घोषित किया गया, तुरंत आए और पीठासीन अधिकारी को चेयर से उठा दिया। इस बीच कागज कहां चले गए? जो पर्चे थे उस पर किसने हाथ मारा? कहा जा रहा है कि मार्शल्स ने वो जो वोटिंग की पर्चियां थी वो छुड़वाई। आप तस्वीरों में जी, आप तस्वीरों में बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी आठ वोटें किस तरीके इनवैलिड घोषित करी गई। आप मेरे को कहने की ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि उसका चेहरा कितना घबराया हुआ है, वो डरा हुआ है। उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि मतलब जीत बीजेपी को सिर्फ कुर्सी की राजनीति यहां से साबित होती है कि बीजेपी को सिर्फ जीत चाहिए, वो किसी भी हालत में उसने जीतना है। आप देखिए, इसने इसकी शक्ल बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है, बार बार कैमरे में देख रहा है प्रिजाइडिंग अफसर। इस तरीके से ये जो इन्होंने हत्या करने की इस बार कोशिश क्या कर ही दिया है, बिल्कुल लोकतंत्र का इन्होंने गला घोट दिया इस बार। मैं ये कह रहा हूं कि आपको प्री अंदाजा नहीं था, पहले चुनाव अधिकारी ने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए चुनाव रद्द किए, फिर कोर्ट ने आदेश दिए कि हर हाल में जनवरी में चुनाव कराए जाए, तब जाकर जनवरी के अंतिम दिनों में मतदान हुआ। लेकिन उस समय आपको प्री अंदाजा नहीं था कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नामित पार्षद हैं, और जब ये इन्होंने जवाब देता हूं, इन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन्होंने जी, और इसमें इनकी इन्होंने कोई पहले जानकारी नहीं, इन्होंने इसमें प्री प्लान, इनका ये सारा पहले से ही प्री प्लान था कि हम अपना जो पहले वाला ऑफिसर है उसको हम जी, उसके बाद हमको हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट के ऑर्डरों के बाद जो इलेक्शन है आप देख सकते हैं, इसकी पूर्ति की गई।
इन्होंने अपना ही एक जो ऑफिस बियरर था उसी को प्रेजाइडिंग ऑफिसर बना के बिठा दिया। ये प्री प्लान्ड, एक पूरा प्री प्लान्ड था कि जीतना जिताना ही हमने बीजेपी को है और दूसरी दूसरी चीज दूसरी और भी किसी पार्टियों को हमने मौका नहीं देना। लेकिन आपको आभास नहीं हुआ, क्योंकि जब जब कभी चुनाव में सामान्य काउंटिंग होती है तो दोनों दल, अगर तीसरा दल भी है तो तीसरा दल भी, जो भी उम्मीदवार होते हैं उसके जो एजेंट्स होते हैं या वो स्वयं वहां मौजूद रहता है जब वोटों की गिनती होती है, और जब कोई आपत्ति करता है कि इलेक्शन एजेंट है नहीं, इलेक्शन एजेंट्स को काउंटर के पास काउंटिंग के समय काउंटिंग टेबल के पास ही नहीं आने दिया। नहीं तो आपने उस समय विरोध नहीं किया कि पास ही नहीं आने दिया? ये काउंटिंग ऐसे कैसे होगी जब तक दोनों पक्ष देखेंगे नहीं कौन सा वोट वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, कौन सा किसके पक्ष में है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, देखिए जब काउंटिंग हो रही है राजीव जी, आप देख सकते हैं वीडियो में, काउंटिंग अभी हो खत्म भी नहीं हुई थी, ऑफिस जो काउंटिंग एजेंट्स थे, जो इलेक्शन अपना एजेंट्स थे, उन्होंने टेबल के पास आने की उन्होंने कोशिश करी, उसी समय उन्होंने आके अपना मेयर का जो चेहरा पहले से डिसाइड किया हुआ था उसको आगे कुर्सी भी बिठा दिया, और जो इनका ऑफिस बीरर था ऑलरेडी जो अनिल मसीह जी हैं जो उनको बिठा रखा था, वो तो कुर्सी से ऐसे छलांग मार के उठे जैसे पता नहीं कुर्सी में उनको बस तय टाइम के लिए बिठाया हुआ था, करंट लग गया वो उठ के और उनको साथ ही बिठा दिया जी ये हमारे मेयर बन के। और आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे उन्होंने जो वोटिंग नहीं, लेकिन आपने बयान सुना होगा, पढ़ ना ले उसको, जो मेरी खामियां वो कोई देख ना ले। अनिल मसीह ने जो बयान दिया उस बयान में वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग आए, और जो तस्वीर दिखा रही है कि अनिल मसीह को सीधे उठाया गया, ये उठते हुए दिख रहे हैं और तुरंत जो है जिनके लोग मेयर की घोषणा की वो बैठ गए, इस बीच सारे हंगामे के बीच पर्चियों पर भी हाथ मारे गए, वोटिंग पर्चियों पर, फिर वो कह रहे हैं आप देखिए कि मार्शल ने बचाई वोटिंग पर्ची। अनिल मसीह जी आप देखिए, अनिल मसीह पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर मार्शल ने तो वोटिंग पर्ची नहीं बचती। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ही क्लियर साफ नजर आ रहा तो है रहा कि अनिल मसीह जी ने कैसे तो देख रहा हूं, लेकिन आपको आभास नहीं हुआ उससे पूर्व थे? मैं तो ये भी देख पा रहा हूं कि अनिल मसीह ने जिसको जहां चाहा वहां पर्चा रखा, अब वो कांग्रेस को वोट पड़ा, वो आम आदमी पार्टी को वोट पड़ा, या वो बीजेपी को वोट पड़ा, या वैलिड था या इनवैलिड था, इसकी पुष्टि के लिए किसी भी ना आपके ना उनके ना बीजेपी के पुष्टि तो की ही नहीं गई, किसी को दिखाया नहीं गया कि भाई ये वोट किसका है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वही तो यहाँ कहना चाह रहे हैं, वैलिड था कि बीजेपी का था कि इनवैलिड था कि कांग्रेस का था, आज आप देख या आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी थे, तो तीनों ही दलों को या तीनों ही दलों के प्रत्याशियों को या एजेंटों को किसी को भी नहीं दिखाया गया? नहीं जी, किसी को भी नहीं, इन्होंने मैं बिल्कुल सरासर जो गुंडागर्दी चंडीगढ़ में इन्होंने पूरी गुंडागर्दी कॉर्पोरेशन के चुनाव में इन्होंने पूरी गुंडागर्दी फैलाई है, पूरा लोकतंत्र का गला घोटा है, संविधान की हत्या करी है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट से आज आपको क्या कोई राहत मिली है? आप नहीं, अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। आज हमारा दिल्ली में प्रोटेस्ट था, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, मैं दिल्ली जा रहा था, मुझे रस्ते में रोका गया, मुझे 2 घंटे के लिए अपना दिल्ली एंट्री पे मेरे को डिटेन करके रखा गया, उसके बाद मेरे को वहां तक जहां पे प्रोटेस्ट थी वहां जाने नहीं दिया गया। हमारे जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, उनको घर से सुबह सुबह हाउस रेस्ट करके उसके बाद थाने में लेके जाया गया। मतलब देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से, मतलब एक षड्यंत्र रच के किसी को भी, इनको मतलब इन्होंने संविधान और इलेक्शंस को एक खेल बना के रख दिया है, इन्होंने संविधान का एक मजाक बना के रख दिया कि अगर रहेंगे सत्ता में तो सिर्फ बीजेपी रहेगी, उसके अलावा अगर कोई ईमानदार पार्टी ऊपर उठने की कोशिश करती है या सारे इंडिया गठबंधन ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसका गला घोट के उसको दबा दो वहीं पे। अब क्या मेजर्स हैं आपके पास, क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसने स्टे देने से मना कर दिया इस निर्वाचन को, लेकिन उसने सारे मामले को मंगाया है 3 हफ्तों में, 3 हफ्ते का मतलब करीब करीब फरवरी महीने में जिनको मेयर घोषित किया गया उन्हीं का राज रहेगा, और इस मध्य आप सुप्रीम कोर्ट गए, अब आपके पास क्या मेजर्स है, क्योंकि कानूनी तौर पर आप स्वयं वकील हैं। बिल्कुल जी जी, देखिए जो जो वो जो जो इलेक्ट्रोल जो जो इनकी स्लिप्स है जिसपे जिन्हों जो 8 पर्चियां हमारी, जो 8 वोट्स इन्होंने हमारी मानने से मना किया है कि उसको इन्होंने कहा कि जी ये इनवैलिड वोट्स हैं, तो मैं अगर कानून के नजरिए से कहूं कि वो ये वोट्स हाई कोर्ट में अपना हाई कोर्ट में उसको सबमिट करें, या फिर हम मैं हाई
मांग कर सकते हैं कि इसका री इलेक्शन करवाया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आप जो वीडियो का जो उसमें जो वीडियो की सच्चाई है, एटलीस्ट अगर एक इलेक्शन एजेंट को अगर आप काउंटर के पास ही नहीं आने देंगे, उससे पहले ही सारी पर्चियां इकट्ठी करके अपनी जेब में डाल लेंगे, किसी को पढ़ने नहीं देंगे, तो ये सरासर ये क्या दर्शाता है हमको? ये दर्शाता है कि हमने तो सिर्फ कुर्सी हासिल करनी है, उसके अलावा हमारा और कोई मोटिव नहीं है, कोई हमने देश अच्छा, की भलाई नहीं करनी, कोई हमने गुंडागर्दी नहीं करनी। आपको तो ये चुनाव हरवाया ही है इंडिया गठबंधन और आपको, लेकिन साथ में आपके मुख्यमंत्री जी को जो दिल्ली वाले हैं उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अंतिम कमेंट देखिए, मोदी जी को सिर्फ इसी बात का है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने अपना हिस्सा अपनी भागीदारी क्यों डाली। अगर आम आदमी पार्टी आज इंडिया गठबंधन से पीछे हट जाए तो मोदी ईडी का सिकंजा एक मिनट में हट जाएगा। मोदी जी को डर इसी बात का है कि इंडिया गठबंधन सीधा इकट्ठा होकर हम बीजेपी को हरा सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव कैसे कोई एक्साइज पॉलिसी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट ईडी प्रोड्यूस इन द कोर्ट कि हम किस बिना पे इसको केजरीवाल जी को नोटिस भेज रहे हैं, किस बिना पे हमने सिसोदिया जी को अंदर किया हुआ है और किस बिना पे इन्होंने हमारा हेल्थ मिनिस्टर अंदर किया। अच्छा चलिए, ये तो देश के लोग भी अब तय करेंगे। ऑन द ग्राउंड फोटो कॉपी के आधार पे, एक फोटो स्टेट कॉपी के आधार पे आप कितनी देर तक बदमाशी और कितनी देर तक गुंडागर्दी करके सारा लेके आप कितनों को अंदर करोगे? क्रांतिकारी हैं जी सारे, जितनों को करना सब तैयार है। अच्छा आप जो तो दर्शक लोग हैं, आप ये तय करें, आपने गांव में प्रधान का चुनाव, पंच का चुनाव, बीडीसी मेंबर का चुनाव, विधायक का चुनाव तमाम देखे होंगे, कभी आप काउंटिंग एजेंट बनोगे, कभी चुनाव लड़े होंगे, हर बार हर टेबल पर जब गिनती होती है तो सारे जो जितने प्रत्याशी हैं, जिसको एक वोट पड़ना है, जिसकी जमानत जब्त होनी है या जिसको जीतना है हारना है, सबके एजेंट, पोलिंग एजेंट वहां पर रहते हैं और अपने सामने काउंटिंग होती है। यदि बैलेट पेपर में इधर से उधर स्याही चली गई, कोई एक्स्ट्रा राइटिंग है तो सबको दिखाया जाता है, और यदि कोई आपत्ति करे विपक्ष दिखाया जाता है, और यदि मान ले बिल्कुल मान ले कि नहीं है ये उन्हीं के पक्ष में लगता है वोट, ज्यादा स्पेस वहां है तो ठीक है, यहां तो तस्वीर सामने दिख रही है, अकेले अधिकारी जी बैठे हुए चेयर पर जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अकेले उठा के पर्ची एक यहां रख रहे हैं, एक उधर रख रहे हैं, एक उधर रख रहे हैं, और खुद ही उस पे शाही लगा रहे हैं, बैठ गया फिर घपला हो गया, और कुछ लिख भी रही हैं उन पर्चियों पे, कहीं उनके दस्तखत होने, लेकिन किसी भी एजेंट को, किसी भी प्रत्याशी को दिखाया नहीं जा रहा है। शायद भारत में ये पहला और अकेला चुनाव है जो इस तरह, जिसकी काउंटिंग इस तरह से हुई। आपको तय करना है क्या ऐसे ही काउंटिंग होंगी, या जिस ईवीएम की बात करते थे, अब ईवीएम पे भी कई झोल है, लेकिन बहरहाल तय करें ईवीएम तो राजीव जी कीमत, ईवीएम तो की गिनती किस ईवीएम तो, ईवीएम तो राजीव जी सिर्फ लोकसभा में इस्तेमाल करती है बीजेपी। चलिए निगाह पे बनी रहेगी, लेकिन अब जनता तय करे क्या भारत में चुनाव ऐसे होंगे, और ऐसे होंगे तो फिर वोट देने का फायदा है या नहीं? फिलहाल दीजिए इजाजत, आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। शुक्रिया जी, धन्यवाद।